Hello students, today we are going to discuss a very interesting topic of mycorrhiza. So let's start. The word myco means fungus and this word rhiza means root. So it is a symbiotic association of fungus and root. So agar fungus और रूट ऑफ प्लांट वो कोलैबोरेट करके कोई स्ट्रक्चर बनाए तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है माइकोराइजा. सो माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड दिस टर्म माइकोराइजा वॉज गिवन बाय फ्रैंक इन 1885. तो माइकोराइजा क्या होता है? इट इज एन एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड रूट. सो लेट्स डिस्कस इट फर्दर. एंड इट इज फाउंड इन मोर देन 20% ऑफ प्लांट्स ऑफ अप्रॉक्स 95% ऑफ प्लांट फैमिलीज. तो 20% से ज्यादा प्लांट्स में ये पाया जाता है और प्लांट की डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है. तो आइए देखते हैं अब इसकी टाइप्स को. वी हैव द टू टाइप्स ऑफ माइकोराइजा, दैट इज एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा. और इसको समझने के लिए आपको ये डायग्राम देखना होगा. अगर हम प्लांट की रूट को देखें तो रूट के अंदर जो ये आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज कॉल्ड एपिब्लेमा. एंड आफ्टर दैट वी हैव सेल्स कॉल्ड कॉर्टेक्स. तो प्लांट की रूट में जो बाहर की ओर सेल्स हैं, दे आर कॉल्ड एपिब्लेमा. देन वी हैव सेल्स कॉल्ड कॉर्टेक्स. और अगर इसके अंदर अब हम देखें तो ये मेरे पास आ गया एपिब्लेमा लेयर. एंड आफ्टर दैट आई एम हैविंग दिस लेयर कॉर्टेक्स, जिसमें सेल्स थोड़ा सा लूजली अरेंज मिल सकते हैं. सो दीज आर सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स. और अगर इसके ऊपर यहां पर फंगस लग जाए तो ये सारे में फंगस लग गई. और ये जो फंगस है इसकी मदद से यहां से वाटर मिनरल्स ये एब्जॉर्ब करती रहेगी और एब्जॉर्ब करके ये प्लांट को देती रहेगी. और कुछ फंगस के हाइफे यहां कॉर्टेक्स के सेल्स के बीच में आ जाएंगे और एक जाल की तरह यहां पर सारे में फैल जाएंगे. और इस जाल को कहा जाता है हार्टिग्स नेट. तो हमने क्या देखा कि जो फंगस थी उसके हाइफे यानी कि फंगस के फिलामेंट्स वो बीच में आ गए, किसके? कॉर्टेक्स के स्पेस के बीच में, इंटरसेल्युलर स्पेसेस के बीच में. तो जो कॉर्टेक्स के सेल्स के बीच में स्पेस है उस स्पेस में ये फंगस एंटर कर गई और ये फंगस इससे आगे नहीं जाएगी. और ये जो कॉर्टेक्स के सेल्स हैं ये इस फंगस के लिए इस स्पेस में फूड को छोड़कर रखते हैं. तो कॉर्टेक्स के सेल्स इस स्पेस में फंगस के लिए फूड छोड़कर रखेंगे और इसी फूड से फंगस को हेल्प मिलेगी ग्रो करने में. तो फंगस को क्या हुआ? फंगस को दिया गया फूड बाय द सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स. और फंगस ने क्या किया? फंगस वाटर एब्जॉर्ब करेगी, मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगी और प्रोटेक्शन देगी प्लांट के सेल्स को. तो प्लांट के सेल्स को वाटर और मिनरल्स
मिनरल्स एब्जॉर्ब करके फंगस दे देगी और प्लांट फूड दे देगा फंगस को, तो दोनों को एक दूसरे से फायदा मिल रहा है। और इस केस में फंगस का ज्यादातर हिस्सा वो देखा जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ रूट, तो इसीलिए ऐसी फंगस और रूट को कहा जाता है एक्टोमाइकोराइजा। तो अगर फंगस ज्यादा बाहर की तरफ हो और कम अंदर की तरफ हो तो कहलाएगी एक्टोमाइकोराइजा। और इस केस में प्लांट को एक और फायदा होगा कि प्लांट को रूट हेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लांट को दो फायदे मिले कि एक तो उसको वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके दिए और रूट हेयर की भी जरूरत खत्म हो गई, और साथ साथ ये इसको प्रोटेक्शन भी देगी। और फंगस को क्या फायदा हुआ कि प्लांट के सेल्स ने, कॉर्टेक्स के सेल्स ने फूड को इंटरसेल्युलर स्पेसेस में डाल दिया फॉर द फंगस, तो दोनों को एक दूसरे से फायदा मिल रहा है। और क्योंकि इसमें फंगस का ज्यादा हिस्सा बाहर की तरफ है तो यह कहलाएगी एक्टोमाइकोराइजा। द सेकेंड टाइप इज एंडोमाइकोराइजा। तो अगेन ये हमारे पास आ गई आउटर मोस्ट लेयर एपिब्लेमा, एंड हेयर वी हैव सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स। यहां पर क्या होगा, इस केस में भी जो बाहर की तरफ फंगस है वो बहुत कम होगी, तो यहां पर बाहर की तरफ जो फंगस है वो काफी कम देखी जाएगी और अंदर की तरफ इसके नेटवर्क आएंगे, और ये नेटवर्क ना सिर्फ इंटरसेल्युलर स्पेस में बल्कि ये सेल के अंदर भी जाएंगे। तो इस केस में इंटरसेल्युलर और इंट्रासेल्युलर दोनों पार्ट्स को फंगस भेद देगी, उसमें एंटर कर जाएगी। तो अगर फंगस केवल सेल्स के बीच की स्पेस में रहे तो एक्टोमाइकोराइजा, और अगर फंगस सेल्स के अंदर भी जा रही है और अंदर जाकर के फंगस या तो बना देगी वेसिकल, तो फंगस ने क्या किया, वो कॉर्टेक्स के सेल के अंदर चली गई और अंदर जाकर के एक वेसिकल बना दी, और इस वेसिकल की हेल्प से फंगस फूड सेल से भी ले लेगी और इंटरसेल्युलर स्पेस से भी लेती रहेगी। तो फंगस दो जगह से फूड उठाएगी, एक सेल के अंदर से और एक इंटरसेल्युलर स्पेस से। सेल के अंदर फंगस फूड उठाएगी वेसिकल से और एक स्पेशल टाइप के नेटवर्क से, और इस नेटवर्क को हम कहेंगे इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ नेटवर्क विच इज नोन एज आर्बस्कल। तो ये जो नेटवर्क सेल के अंदर डेवलप किया, दिस नेटवर्क इज नोन एज आर्बस्कल। तो एंडोमाइकोराइजा के केस में फंगस बाहर कम और अंदर ज्यादा डेवलप करती है और दो तरीके से फूड उठाती है, विद द हेल्प ऑफ वेसिकल एंड विद द हेल्प ऑफ आर्बस्कल। तो दो स्ट्रक्चर्स की हेल्प से फंगस फूड को कैप्चर करेगी, सेल के अंदर से एक नेटवर्क आर्बस्कल और दूसरा वेसिकल, और साथ साथ इंटरसेल्युलर स्पेसेस से भी फूड को उठाएगी। तो दो जगह से
फंगस ने फूड को कैप्चर करा और अंदर की तरफ ज्यादा ग्रो करा, तो इसलिए इस फंगस को हम कहेंगे एंडोमाइकोराइजा या वैम, यानी कि वेसिकल आर्बस्कल माइकोराइजा। तो एंडोमाइकोराइजा के दो नाम है, पहला एंडोमाइकोराइजा और दूसरा वैम, दैट इज वेसिकल आर्बस्कल माइकोराइजा। तो फंगस इसके ऊपर दो तरीके से लग सकती है, माइकोराइजा दो टाइप का हो सकता है। अगर फंगस ज्यादा रूट के बाहर है और कम रूट के अंदर है तो एक्टोमाइकोराइजा, और अगर फंगस रूट के अंदर ज्यादा है और बाहर कम है तो एंडोमाइकोराइजा या वैम। और एक्टोमाइकोराइजा जो है उस केस में रूट हेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और एंडोमाइकोराइजा के केस में कुछ रूट हेयर बनाने पड़ेंगे। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ माइकोराइजा, दैट इज एक्टो एंड एंडो। और एक्टोमाइकोराइजा के केस में फंगस जो है वो वूली अपीयरेंस बना देती है ऑन सरफेस ऑफ रूट। तो आपको रूट के सरफेस पे इस तरीके से वूली अपीयरेंस मिल सकता है, जो कि नोड्यूल की फॉर्म में भी हो सकता है या फिर एक स्वॉलन मास की फॉर्म में भी मिल सकता है, विच इज नोन एज कोरेलॉइड रूट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज फाउंड इन साइकस। तो अगर फंगस बाहर ज्यादा ग्रो कर जाए और एक वूली मास बना दे तो वो नोड्यूल की तरह या कोरेलॉइड रूट की तरह दिखाई देगा। और एंडोमाइकोराइजा वूली मेंटल ऊपर नहीं बनाता। एक्टोमाइकोराइजा के केस में फंगल सेल्स कॉर्टेक्स से आगे नहीं जाते और ये कॉर्टेक्स से आगे भी जा सकते हैं। उसके बाद एक्टोमाइकोराइजा जो है ये मेनली बेसिडियोमाइसिटीज टाइप की फंगस बनाएगी, और एंडोमाइकोराइजा जाइगोमाइसिटीज टाइप की फंगस बनाकर देगी। और एक्टोमाइकोराइजा में फंगस प्लांट स्पेसिफिक होती है, यानी कि एक ही टाइप की फंगस एक ही टाइप के प्लांट से कॉन्टैक्ट करेगी। फंगस इज प्लांट स्पेसिफिक। तो अगर कोई प्लांट में ए फंगस अटैक करती है तो ए फंगस हमेशा उसी टाइप के प्लांट पे अटैक करेगी, किसी और टाइप के प्लांट पे नहीं। और एंडोमाइकोराइजा के केस में एक ही टाइप की फंगस कई टाइप के प्लांट से जुड़ सकती है, सो इट इज नॉट अ प्लांट स्पेसिफिक। एंड हियर वी हैव देयर एग्जांपल्स। एक्टोमाइकोराइजा में फंगस बॉलीटस एमानिटा ट्राइकोलेमा आ जाएगा, और एंडोमाइकोराइजा बनाएगी फंगस ग्लोमस एंड स्क्लेरोसिस्टिस। और अगर एडवांटेज की बात करें तो प्लांट को बहुत सारे फायदे हैं फंगस के, कि प्लांट को मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देगी, वाटर देगी, प्लांट की ग्रोथ करवाएगी, क्योंकि फंगस बहुत सारे ग्रोथ हॉर्मोन्स रिलीज करती है लाइक जिब्रालिन, और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रोड्यूस एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस। फंगस जो है वो प्लांट को बैक्टीरिया और वायरस से भी प्रोटेक्ट करके रखेगी, और जब कंडीशंस खराब हो जाती हैं, कभी कभी सॉइल का पीएच बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा बेसिक हो जाता है या एसिडिक हो जाता है, तो उस केस में भी फंगस प्लांट को प्रोटेक्ट करेगी। और यह भी देखा गया है कि जैसे कि
पाइनस का प्लांट है या कुछ जिम्नोस्पर्म्स हैं, अगर उनकी रूट में फंगस ना लगे तो उनकी ग्रोथ कम रह जाती है। तो फंगस जो है वो प्लांट को बहुत सारे फायदे देती है, वाटर देती है, मिनरल एब्जॉर्ब करके देती है, प्रोटेक्शन देती है, ग्रोथ हॉर्मोन्स देती है, और बदले में प्लांट उसको फूड देता है। सो बोथ ऑफ देम आर हेल्पिंग ईच अदर, सो इट इज अ टाइप ऑफ सिम्बायोटिक और म्यूचुअल रिलेशनशिप। सो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम ऑल्सो। थैंक यू।